दोस्तों 90% न्यू यूट्यूबर ये गलती कर रहा है, जब भी अपने फ़ोन में काइन मास्टर को इंस्टॉल कर रहा है और इंस्टॉल वगैरह करने के बाद जब उसके थ्रू वीडियो एडिट कर रहा है, तब उनका जो वीडियो का साइज़ है, जो MB है, वो काफ़ी ज़्यादा हो रहा है और उनका जो वीडियो का क्वालिटी है वो काफ़ी हद तक डाउन हो रहा है। अगर आप भी ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हो तो इस वीडियो को आपको शुरू से लेकर एंड तक देखना है। इस वीडियो में मैं आपको पूरा इन्फॉर्मेशन बताऊंगा, क्या कुछ वगैरह आपको करना पड़ेगा, क्या सेटिंग्स है और कैसे एक्सपोर्ट करना है, सब कुछ आपको वीडियो में बताऊंगा। दोस्तों आपको क्या करना है, वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखना है बिना स्किप किए। तो चलिए दोस्तों वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए यहाँ से शुरू करते हैं। तो ठीक है दोस्तों, आ चुका मैं अपने फोन के स्क्रीन की ओर। सबसे पहले आपको क्या करना है, काइन मास्टर एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। सो काइन मास्टर एप्लीकेशन ओपन करने के बाद यहाँ पर आप ऊपर देख सकते हो टॉप पर एक सेटिंग्स का ऑप्शन, आपको उसी के ऊपर क्लिक कर लेना है। सो क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते तो पहला नंबर पर डिवाइस प्रेफरेंस इंफॉर्मेशन, आपको उसी के ऊपर क्लिक कर देना है। सो क्लिक करने के बाद यहाँ पर सबसे नीचे आप देख सकते हो एनालाइज डिवाइस प्रेफरेंस, आपको उसी के ऊपर क्लिक करके और यहाँ पर आपके सामने दो ऑप्शन शो हो जाएगा। यहाँ पर एक रिमाइंड मी लेटर और यहाँ पर एनालाइज डिवाइस प्रेफरेंस। यहाँ पर एनालाइज डिवाइस प्रेफरेंस पर क्लिक कर लेना और अपने काइन मास्टर को रन एनालाइज कर लेना के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, यहाँ से आपको ना ही बैक जाना है, ना ही यहाँ पर आपको कुछ करना है, यहाँ पर कोई भी छेड़खानी नहीं करना है, आपको जैसा है वैसा रख देना है ये कंप्लीट होने तक। तो यहाँ पर आप देख सकते हो प्लीज डू नॉट टर्न ऑफ काइन मास्टर और स्विच टू अनदर ऐप व्हाइल द एनालाइज इन प्रोसेस। आपको ऐसे ही रखना है, आपको यहाँ से बैक नहीं जाना है और यहाँ से मिनिमाइज से भी नहीं हटाना है। तो यहाँ पर हम थोड़ी देर वेट कर लेते हैं, यहाँ पर एक मिनट या दो मिनट लग जाएगा, कंप्लीट कर लेते हैं। तो दोस्तों इसको एनालाइज करने का ये फ़ायदा है, अपने जो फ़ोन के हिसाब से यहाँ पर जो मिनिमाइज सपोर्टेड वीडियो क्वालिटी है वो ऑटोमेटिक शो हो जाएगा जो हाई रेजोल्यूशन में है। तो चलिए हम इसको एनालाइज कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो ये रन एनालाइज हो चुका है। तो यहाँ से हम बैक चले जाते हैं, बैक जाने के बाद यहाँ पर आपको और एक सेटिंग्स करना है। यहाँ पर आप देख सकते हो दो नंबर पर एडवांस सेटिंग्स का ऑप्शन, आपको उसी के ऊपर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको अगर आपका ये डिसेबल है तो आपको इसको इनेबल कर लेना है और आप यहाँ पर देख सकते हो अलाउ अनलिमिटेड वीडियो लेयर, आपको इसको भी इनेबल कर लेना है। अगर आपका ये डिसेबल है तो आपको इनेबल कर लेना है और यहाँ पर सेव वीडियो विथ अप टू 60 FPS, आपको इसको भी इनेबल कर लेना है। सो इनेबल करने के बाद यहाँ पर हमारा जो काइन मास्टर का सेटिंग्स है वो ख़त्म होता है। अब बात आती है आप जब वीडियो एक्सपोर्ट करोगे तब तो आपको क्या करना है। तो यहाँ पर मैं कोई भी फाइल सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर जब एक्सपोर्ट पर मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पर आप देख सकते हो मेरा जो वीडियो का रिजोल्यूशन है यहाँ पर शो हो चुका है। आप जब भी वीडियो एक्सपोर्ट करोगे आपको हाई रिजोल्यूशन में एक्सपोर्ट नहीं करना है। यहाँ पर आप देख सकते हो HD 720p, आपको उस पर सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ पर आप बिटरेट पर देख सकते हो यहाँ पर मेरा हाई बिटरेट 60 शो हो रहा है। तो आप अगर आपका 60 शो नहीं हो रहा है तो आपको 30 पर रख लेना है और अगर आपका 60 शो हो रहा है तो यहाँ पर आपको 60 पर रख देना है। तो अब बात आती है यहाँ पर बिटरेट की, तो रिजोल्यूशन और फ्रेम रेट के हिसाब से यहाँ पर आपको बिटरेट को रख देना है। तो यहाँ पर मैं 715 ऐसे रख देता हूँ। तो आपको ये ऐसे रख देना है, आपका जो वीडियो का क्वालिटी है वो काफ़ी हद तक अच्छा रहेगा, आप एक बार एक्सपोर्ट करके देख लेना। और अब आपको क्या करना है, यहाँ पर सेव एज वीडियो पर क्लिक कर लेना है और अपने फाइल को सेव कर लेना है। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक कर देना। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो नीचे दिए गए लाल बटन को सब्सक्राइब करके और साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे सिलेक्ट कर लेना, क्योंकि इस रिलेटेड वीडियो आपको इस यूट्यूब चैनल पर मिलता रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक।